राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके पहले हरिद्वार पातांजल योगधाम आर्य नगर ज्वालापुर में हमने शिक्षा दीक्षा ली है स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी। आर्य समाज में मैं पला के बड़ा हुआ हूँ। आज पूरे देश में स्वामी रामदेव भी आर्य समाजी थे और काफ़ी नज़दीकी से हम उनमें परिचित रहे। आज पूरे देश में स्वामी रामदेव ने कोई ऐसा बयान दे दिया जिससे एक समाज के अंदर रोष पैदा हो गया, गडरिया समाज में रोष पैदा हो गया। तो इस रोष को, तनाव को देखते हुए मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। कहने का ये है कि जब देश में गडरिया कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसे गडरिया माना गया, पूर्वजों से देखते हुए पहले पशुपालक समाज हुआ। पशुपालक समाज जो है सबसे पहले भेड़ पाली गई सृष्टि के अंदर, उसमें ऊन पैदा की हुई जिससे लोगों ने वस्त्र बनाए। पहला वस्त्र जो बना है वो भेड़ से बना है। जो भेड़ पालने वाला हुआ वो भेड़ को एक शब्द में गाड़र कहते हैं, तो इसीलिए वो गाड़र पालने वाला गडरिया बना। अब जब गडरिया बना है तो वहां से भेड़ पाली, फिर गाय पाली, भैंस पाली, तो जो जो जिसको पालता रहा वो थोड़ा अलग अलग होते गए। अब गडरिया यदु पुरु कुरु, तीन भाई थे, यदु से बने यादव और पुरु का कोई संतान नहीं थी, कुरु से बने गडरिया। तो यादव गडरिया एक पिता की संतान है और एक पिता की संतान के होते हुए आज कई जगह अपने अपने नामों से अनेक पाल, धनगर, गाड़री, ग्वाला, हटकर, खुरेकर, रेवाड़ी, धनगर, गवाड़ी तमाम जाने जाते हैं। यादवाम भी तमाम लिखते हैं। आज हम यादव गडरिया कोई अलग अलग नहीं है। जो जिस राजनीति में आ गया थोड़ा अपने को ऊंचा नीचा मानने लगा है। कहीं कहीं मैं हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में, देशों में मैंने सभा करी तो यादवों ने कहा हम और आप में कोई बटा नहीं है, गडरियों ने कहा हम और आप में कोई बटा नहीं है। तो इसके देखते हुए जब पशुपालक समान से भेड़ पली, इससे जो है बकरी पली, तो उससे जो है हम लोग पशुपालक बने। पशुपालक समाज में सभी आते थे, जो पालता रहा वो भेड़ पालता रहा वो गडरिया हो गया, जो गाय पालता रहा वो यादव हो गया। ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा हमारा हो गया, भाई में बंटवारा हो गया। अब ये बात आगे चलती है तो आगे ये यहाँ तक पहुँची है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो पार्लियामेंट में जो पत्थर लगा है उसमें लगा सेफर्ड वायद चंद्रगुप्त मौर्य, यानी गडरिया का वालिद चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक ने 22 देशों पर राज किया। अशोक एक ऐसा बना कि भारत ने उसका चिन्ह अशोक लाट, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान की पहचान अशोक से जानी जाती है। अगर कहा जाए तो ये भी मान सकते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया था तो अशोक भी गडरिया था, तो गडरिया से, लेकिन नहीं, ये भारतीय संस्कृति को अपनाया है, भारतीय ने जो माना है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारा गडरिया से है। भारत एक समुदाय, एक एकत्र देश है। भारत देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 10 पीढ़ी राज किया भारत पे। एक गडरिया का चरवाहे का लड़का शायद चंद्रगुप्त, अगर इतिहास पढ़ लें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक टीले पे बैठ के और पशुपालक था, वो भेड़ बकरी चराते हुए उसने न्याय दिया, तो वहां से चाणक्य निकले, चाणक्य ने देखा उसका न्याय, तो चोर और साहूकार का न्याय था, तो उसने साहूकार बनकर, राजा बनकर ऐसा न्याय दिया कि चंद्रगुप्त इतने रह गए। चंद्रगुप्त चाणक्य को ले गए और तक्षशिला विद्यालय में पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में वो एक ऐसा शख्स निकला, ऐसा दुनिया में बन निकला कि जिसने अपना राजकाज संभाला और पूरे हिंदुस्तान में राज किया, उसके बाद विदेशों में राज किया, और उसके बाद जो है उनके लड़का ने राज किया, उसके बाद जो है लास्ट में अशोक ने राज किया, 10 पीढ़ियों तक उनका राज रहा। आज जो है कई ऐसे महापुरुष हुए गडरिया समाज में या अन्य समाज में कि जिनके, जिन्होंने देश को कुछ दे के गए हैं, और गडरिया ने तो सदा ही दिया है। जब जरूरत पड़ी तो पहले दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, खीर खिलाई, और जरूरत पड़ी तो भेड़ भी कटवा दी। ये गडरियों का इतिहास रहा। कभी उन्होंने ये नहीं देखा है उसे भेड़ से वस्त्र बने, सर्दी की कमी हुई, लोगों को सर्दी नहीं लगी, तो ये गडरियों का रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 20-22 साल है, मतलब 20-10 पीढ़ियों राज किया, 10 पीढ़ियों का राज रहा उसका, अहिल्याबाई का राज रहा। ऐसे कई अगर देखा जाए तो महाकवि कालिदास भी गडरिया समाज से हुए थे। विदोत माँ की शादी करने के लिए एक राजा के सिपाही निकले थे, तो उन्होंने कहा कि देखो विदोत माँ ने अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को कर दिया और जिस डाल पर बैठा है उसी पे काट रहा है, तो अंदाज ये कोई बालक होगा, होशियार होगा, ये हमें देख के काट रहा है।
या उसकी ये नीति है, तो उसको जाके विद्वत माँ के पास ले गए, विद्वत माँ से शादी करवाई, उसके बाद वो महाकवि कालिदास बने। महाकवि कालिदास के कब पढ़ के आज हिंदुस्तानी दुनिया के विद्वान आज एक पे एक अपने को चुनौती दे रहे हैं। भारत का जंगडंका विश्व में संस्कृति का बज रहा है महाकवि कालिदास की वजह से। तो महाकवि कालिदास, यशवंत राव होलकर, और मैं आपको ऐसी फोटो दिखा रहा हूँ, शायद अगर नहीं जानते हो तो ये जो है यशवंत राव होलकर द्वितीय थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में विशेष डंका बजाया है। इतना डंका बजाया है कि इनकी अगर ये 300 अंग्रेजों की इन्होंने नाक काट ली, और 300 अंग्रेजों की नाक काटने के बाद में और कह दिया था उस टाइम दौलत राव सिंधिया थे कि सिंधिया अगर मेरा साथ दे दो तो मैं अंग्रेजों को भगा सकता हूँ। तो यशवंत राव होलकर ने काफी जबरदस्त लड़ाई ली, रायनाबीर सांगोली कर्नाटक का 11 साल 7 महीने लड़ाई लड़ी है, और उसको 15 अगस्त को जन्म हुआ था, 26 जनवरी को जिसको फांसी दी गई थी। आज भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री जो भी है वो सिद्धारमैया की जयंती पे 26 जनवरी को अपना हेलीकॉप्टर लेके और फूल बरसाता। तो ऐसे कई ऐसे महापुरुष हुए, तानसेन हुए इसी समाज में। लेकिन अब ये बात यहाँ पे आ जाती है स्वामी रामदेव, तो स्वामी रामदेव जी हम काफी दिन से हम उनसे परिचित में थे, और आचार्य बालकृष्ण जी जो स्वामी रामदेव के जो है दाएं अंग है या बाएं अंग है, पतंजलि योग पीठ के मालिक हैं, तो उन्होंने अभी हमारे दिव्यानंद सरस्वती जो थे पतंजलि योग धाम आर्य नगर ज्वालापुर में, उनको 5 लाख की राशि देकर और एक छात्रावास बनवाया था। काफी करीबियां थी, लेकिन करीबियों में देखते हुए स्वामी रामदेव भी उसी परिवार में पले हैं, गाय भैंस बकरी में भेड़ में, और ऐसा बयान आया जिसमें पूरे देश में खलबली मच गई। तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, स्वामी रामदेव अलीपुर के रहने वाले हैं, हरियाणा में गांव पड़ता है, और अलीपुर में स्वामी रामदेव का जो गांव है वो अलीपुर है और जिला महेंद्रगढ़ है। इनके एक ताऊ थे, उन्होंने स्वामी जी दिव्यानंद जी से और इनकी ताऊ और बड़ी माता जी ने योग धाम में आकर स्वामी दिव्यानंद जी के जो वेदों के उच्च कोटि के वक्ता 7 देशों में जिन्होंने वेद का प्रचार किया, उनसे इन्होंने अपने गुरु दीक्षा ली है स्वामी रामदेव के ताऊ ने। तो स्वामी रामदेव के ताऊ ने जो गुरु दीक्षा ली है वो वहां के सरपंच रहे और अच्छे परिवार से मानते हैं। मैं उनके काफी मिला जुला हूँ, काफी उनके परिवार में मिला जुला हूँ, उनके परिवार को भी जानता हूँ। लेकिन हमें ये बयान से थोड़ा ये लगता है कि स्वामी रामदेव कहीं या जोश में बोल गए, या कहीं ऐसे गहरे शास्त्र में घुस के बोल गए, या कहीं उनका जो बर्ताव हुआ है वो बात हुई है, वो कहीं नहीं कहीं मैं इस विषय को नहीं लेता हूँ कि उन्होंने कहीं अच्छे शोध में बात की हो। तो हिंदुस्तान आज जिन जातियों ने जिन्होंने काम किया है वो आज आगे बढ़ा है, और स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना बयान पलटवार भी किया है कि भाई मैं कुछ ऐसा जिन लोगों के अंदर ठेस पहुंची हो तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। स्वामी रामदेव जी ने ये भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या भीमा भाई या इल्ला भाई या तानसेन, ये सब गरिया समाज में हुई आला उदल भी हुए स्वामी रामदेव के बयान से। इसके पहले भी राजनाथ सिंह मानिए गृह मंत्री थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, उन्होंने भी ये कहा था चंद्रगुप्त मौर्य गरिया का बेटा था। तो अब इतने बड़े होते हुए भी अगर कोई हमसे ये कह देवे कि मूर्ख है तो गरिया समाज इसको बर्दाश्त नहीं करके राष्ट्रीय महासचिव तो कर ही नहीं सकते इस बात को। लेकिन मैं एक गुरु भाई के नाते, क्योंकि स्वामी दिव्यानंद ने उनके परिवार को दीक्षा दी है, हम भी स्वामी दिव्यानंद की शिष्य से, रामदेव भी शिष्य से, मान लो उनके गुरु उनके पिताजी, बड़ी माता जी, बड़े पिताजी, तो वो भी उनके शिष्य रहे, उनके परिवार ने पूरे ने योग धाम में दीक्षा ली है। तो उसको देखते हुए मैं स्वामी रामदेव से इस बयान से आगे भी, मतलब आपको योग गुरु मानते, दुनिया के अंदर आपने योग गुरु माना है, जो योग में स्वामी दयानंद जी का मिशन चलाया है वो रामदेव से बढ़ के किसी ने नहीं चलाया। अगर योग को ग्रंथ से यानी वेद से निकाल के जनमानस तक पहुंचाया वो रामदेव ने किया है। तो रामदेव जी ने अच्छा काम किया है, स्वामी रामदेव को आदर्श पुरुष मानते हैं। तो कृपया करके रामदेव जी से मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी जाति पक्ष या विचार पक्ष या समृद्धा पक्ष की बात ना करें, आप देश हित के काम किया है, देश हित की बात करें, और इसमें कोई ऐसा भेद नहीं हुआ है। आपने एक समाज को एक गड़िया नाम लेके के आप पीछे रहे हैं या जो भी कहा हो,
वो समाज को एक चेतावनी दी है कि गडरिया समाज एक हो जाओ, अपने बाहुबल अपने अस्त्र से बाहु को अजमाओ और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाओ। ये बनाने के लिए आपने ये किया है, मैं आपको धन्यवाद है। सभी देश की जनता से ये अपील मांगता हूँ कि अब ये इस बात को यहीं रहने दें, कोई धरना ना दें, कोई आंदोलन ना करें, कोई कटाक्ष ना करें। आपकी बात समापन की ओर जा रही है, क्योंकि जो आदमी गलती बना लेता है उससे बड़ा कोई ऐसा उपाय नहीं होता है। तो उन्होंने जो कहा है कि जिसके अंदर ठेस पहुंची हो, मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। इन्हीं बातों के लिए सबको मैं देश की हिंदुस्तानियों को मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह पाल की तरफ से सभी को दिवाली, नवरात्रम और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।